विश्लेषक हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं, संजय चड्ढा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाने माने वकील। बिल्कुल संजय जी, हम सभी जानते हैं कि आर्थिक युग है और मनुष्य का जो आकलन है वो आर्थिक आधार पर किया जाता है। जब हम आर्थिक विस्तार की बात करते हैं, आर्थिक बढ़ोतरी की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि परिवार इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? बहुत महत्वपूर्ण है परिवार। और यहां तक कि मुझे एक ओल्ड सेइंग याद आती है जिसमें कहा गया था, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, डिस्ट्रॉय द फैमिली सिस्टम, डिस्ट्रॉय द एजुकेशन सिस्टम। अर्थात फैमिली सिस्टम को अगर आप डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो देश डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कितना अहम है फैमिली सिस्टम, ये पुरानी मुझे अभी बैठे बैठे याद आ गई। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दशकों में, और मेरे ख्याल है 3 दशक में या 2 दशकों में, हमने देखा है कि फैमिली में जुड़ाव के जगह बिखराव आया। बिल्कुल बिल्कुल, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, जैसा आपने बताया संतोष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अब समापन की ओर नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप ये देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं बहुत स्पष्ट शब्दों में, कितनी उस सिस्टम में, जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, कितनी उसमें प्रतिबद्धता थी, कितनी मजबूती थी एक दूसरे। अगर 3 भाई हैं, 2 भाई अच्छे मजबूत हैं, 1 बीमार है, तो ये कभी नहीं होता था कि दो लोग अच्छे हो गए और 1 नहीं हुआ। लेकिन आज इंडिविजुअलिस्टिज्म आ गया। आज हम देख रहे हैं, आप नई नई चीजें हमारे सामने आ रही है। आप देखिए, अगर मैं आपसे बात बताऊं, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं बची। बिल्कुल, संवेदनशीलता कम होती जा रही है जी। मैं आपको इसके अलावा, आप देखिए ना, कि अगर हम देखें, नए नए लिव इन रिलेशनशिप के कंसेप्ट आ गया है, LGBT का रिलेशनशिप का आ गया। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं वो मात्र इतना ही है कि समाज में बहुत बदलाव आया है, और ये कई मायनों में तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कई मायनों में अगर हम परिवार की तरफ से इसको देखें तो ये नेगेटिव है। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली, मैंने देखा है, मैं अपने अनुभव से इस चीज को बहुत बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूं अपने श्रोताओं को, देखने वालों को, कि ये जो हमने चेंज की ओर हम बढ़े हैं जी, ये चेंज संभवतः अच्छाई की तरफ नहीं है। बिल्कुल अच्छाई की तरफ नहीं, और ये जरूरी है कि हम संवेदनशीलता के साथ, अपने परिवार का भूमिका है। संजय जी, जब हम सामाजिक ताना बाना टूटने की बात करते हैं, तो अगर हम, आप वकील हैं, अगर हम उनके हक और अधिकारों की बात करें, तो एक वरिष्ठ नागरिक के क्या हक है और अधिकार हैं? अगर किसी कारणवश उसके परिवार के लोग उसको साथ नहीं रखना चाहते या अलग कर रहे हैं, तो किन अधिकारों का वो प्रयोग कर सकता है? बहुत अच्छा, एक अहम सवाल है, क्योंकि ये जब तक मनों में जागृति नहीं होगी, पता नहीं होगा कि ये मेरे अधिकार हैं, तो वो मिलेंगे कैसे। मुझे याद आता है 2007 में हमें एक नया एक्ट मिला था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अगर ये एक्ट पे, बहुत एक अहम एक्ट है, 2007 में आया था। इसमें दो, इससे पहले भी व्यवस्था थी, सीआरपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसमें अगर जो पेरेंट्स को आप नहीं देखभाल करते हैं बच्चे उनके, तो वो एक एप्लीकेशन लगा के न्यायालय की मदद से मेंटेनेंस ले सकते थे, वो मेंटेनेंस का स्पेसिफिक था। लेकिन 2007 में, क्योंकि देखिए क्या होता, लॉ क्या है, संतोष जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, लॉ है बहुत डायनेमिक चीज है। जहां सोसाइटी को आवश्यकता हुई, इस तरह की चीजें हम देख रहे थे कि हो रही थी, बड़े पैमाने पे हो रही थी, बुजुर्गों को, पेरेंट्स का बेदखली हो रही थी, उनको ध्यान नहीं दे रहे थे, तो सरकार ने एक कानून बनाया 2007 में। इस कानून के तहत, बहुत सुंदर कानून है और यथाशीघ्र एक्शन होने वाला कानून है, इसमें व्यवस्था ये की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखता या सीनियर सिटीजन्स का ख्याल नहीं रखता, तो वो एडीएम, जो लोकेलिटी का एसडीएम एडीएम है, वहां पे जाके एक दरखास्त लगा सकता है। और ब्यूटी सबसे अच्छी इसकी ये है कि आप यदि कोई व्यक्ति, और इसमें एक्शन बहुत तेज है, मेरे कहने का मतलब ये है कि विद इन 7 डेज जो है पहला नोटिस देके, और जो चिल्ड्रन है या पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज पीपल,
उसको नोटिस दिया जाएगा और उससे जवाब दिया जाएगा। एक और बहुत अहम बात मैं बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा इस पर्टिकुलर इशू पे, क्योंकि ये बहुत अहम है। हम देख रहे हैं हर दिन बिल्कुल आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। देखिए हमने एक में एक एग्जांपल देके बहुत शॉर्ट में एक एग्जांपल देने का प्रयास करूंगा कि अगर किसी पेरेंट्स की कोई जमीन जायदाद जो है बच्चे ने ले ली और उसके बाद तो यहां तक कि हमारे फैसले हुए इस पर्टिकुलर एक्ट के मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट 2007 में, जहां पे कि वो प्रॉपर्टीज रिस्टोर बैक करी गई है पेरेंट्स को, उनको कहा गया क्योंकि इन बच्चों ने उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना बंद कर दिया, तो वो पेरेंट्स को वो प्रॉपर्टी वापस दिया गया। यहां तक इतना ये डायनेमिक एक्ट है और इस एक्ट के कई प्रोविजंस हैं। मैं कार्यक्रम में बिल्कुल 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 सुधीर जी, जब भी में रहते हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संजय जी अगर हम कानूनों के हक और अधिकारों की बात करें लोगों की, और तो आपको लगता है कि ऐसे जो कानून है ऐसे जो अधिकार है अभी भी प्रचार प्रसार की थोड़ी कमी है, उनको और बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो हर जो सीनियर सिटीजन है या माता पिता उसको पता हो कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम इन इन कानूनों का इन इन अधिकारों का सहारा ले सकते हैं, सरकार में कंप्लेन कर सकते हैं जिससे हमें उनका जो उनका हक है जो अधिकार है वो मिल सके। संतोष जी बहुत आपने वैलिड बात कही। आप जानिए कि अगर कोई एक कानून बना देने भर से किसी सरकार की या व्यवस्था का जो है ये नहीं है कि हमने बना दिया कानून हमारा काम समाप्त हो, नहीं, कानून को जन जन तक पहुंचाना है ये बहुत अहम बात है। मैं कई बार इस बात को कह भी चुका हूं। देखिए मुझे याद पड़ता है एक और एक्ट की मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा, 1984 में फैमिली कोर्ट्स एक्ट बना, स्पेशली जहां पे ये देखा गया कि काउंसलिंग को प्रमोट करते हुए जो फैमिली के डिस्प्यूट्स हैं उनको किस तत्परता से शीघ्रता के साथ सॉल्व किया जाए। इसके अलावा अब जितने भी नए कानून बन रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं यहां लेना चाहूंगा, उन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को ऐड किया जा रहा है और जो यहां पे भी मैं बताना बहुत उचित समझता हूं, वो है मीडिएशन। ट्रेंड मीडिएटर्स इन डिस्प्यूट्स में एक बहुत बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, फैमिली के लोग हैं, जिंदगी भर साथ रहे हैं, जैसे मेरी बहन अभी काजल कह रही थी, वो कह रही थी महिलाओं का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल है महिलाओं का रोल, लेकिन कई बार आवेश में आके संयम को तोड़ के लोग जो है डिस्प्यूट हो जाता है और वो डिस्प्यूट बातचीत ईगो आ जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। ऐसे परिपेक्ष में ऐसी पृष्ठभूमि में क्या होता है कि अगर मीडिएटर के समक्ष हम लोग बैठ जाए, मैंने देखा है 60% 70% डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, कोई व्यक्ति जीतता नहीं है मीडिएटर के आगे। जी संजय जी, क्या संवाद की कमी है, क्या संवाद की कमी रहती है परिवार में भी, संवाद होना बहुत जरूरी है, आपस में बातचीत करना बेहद जरूरी है। देखिए यही तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम देखते हैं कि डिस्प्यूट का जो मेन रीजन है वो संवाद का अभाव है, और ऐसी परिस्थिति में ऐसे परिप्रेक्ष्य में मीडिएटर एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, उन दोनों की जो टूटी हुई कड़ी है उसको पुनः जोड़ता है। मैं अपने छोटे से अनुभव से ये बताना चाहता हूं, सैकड़ों केसेस रोज ट्रेंड मीडिएटर और नॉन ट्रेंड, हर जिले के न्यायालय में अब मीडिएशन की व्यवस्था की गई है। एक छोटी सी बात जो सबको मालूम होनी चाहिए, एक मीडिएशन होता है प्री केस मीडिएशन, अभी केस फाइल करने से पहले भी एक व्यक्ति मीडिएटर के पास जाके और दरखास्त कर सकता है, चाहे वो महिला है चाहे वो बिल्कुल बीच के, कई रास्ते निकाले जा सकते हैं आपसे आपसी संवाद के माध्यम से, जो छोटे छोटे मामले हैं वो सुलझाए जा सकते हैं। सुधीर जी, जैसे संजय जी कह रहे हैं